जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो सब सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपको बहुत आभार है दोस्तों। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वर्तमान में कोई तकलीफ या परेशानी से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और हमसे बात कर सकते हैं। उसका शुल्क, उसका फीस लागू है दोस्तों। अक्सर यह बात आपको खटकती होगी कि हमारे घर में दरिद्रता आखिर कौन व्यक्ति ला रहा है, हम उन्हें कैसे पहचानें, और चलिए हमने पहचान तो लिया लेकिन अब उनने जो गलती कर दी उसे कैसे सुधारें और आगामी जीवन में हम दरिद्रता से कैसे बचें। अब आप ये सोचेंगे कि दरिद्रता आ जाने से हमारे घर में क्या 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 चीज़ें होगी। देखिए, अगर जिस भी व्यक्ति के घर में दरिद्रता होगी तो उन्हें कलह होगा, पति पत्नी के बीच बेवजह विवाद होगा, घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा अस्वस्थ बना रहेगा, कानूनी दाव पेच कोर्ट जिसमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता है, जबरन हमें घसीटा जाता है, व्यापार नौकरी पैसा मतलब जीवन जो है वो स्थिर, हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन वो स्थिर होना ही नहीं चाहता है। न जाने कहाँ से कुछ न कुछ परेशानी ऐसी आ ही जाती है जिसको शायद हम सही करने में हमारा वक्त धन सब कुछ बहुत सा चला जाता है। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप इसका सोल्यूशन हल पूरा जान पाएंगे और उसके साथ साथ ही आप ये भी जान पाएंगे इसे कैसे बाहर निकले। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो, हर हर महादेव। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले और मुद्दे की बात करता हूँ कि उन घरों में हमेशा दरिद्रता का वास होता है जो बहुत सारा कबाड़ रखते हैं, मतलब घर में कुछ न कुछ जो अनुपयोगी चीज़ें वो ये भी रख ली, वो भी रख ली, सब चीज़ें हमने रख ली। अब इतनी सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, हर एक व्यक्ति, हर एक नेगेटिव चीज़ें, हर एक पॉजिटिव चीज़ें, हर एक वस्तु अपना एक वाइब्रेशन छोड़ती है, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो। तो बस वही वाइब्रेशन, अगर कबाड़ चीज़ें, जो चीज़ें नहीं चल रही वो हमारे घर में बहुत सारी इकट्ठा हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वेव्स, नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे घर में हो जाएगा। और स्वाभाविक सी बात है कि नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा, एक वैज्ञानिक तर्क भी है कि ये महसूस होती है और ये प्रकृति के करीब जाते हैं। आप जब कहीं पहाड़ों में, कहीं जंगल में, तो बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक आपको लगता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वेव्स होती हैं। सेम वही तर्क यहाँ पर भी लागू होता है कि बहुत सारा कबाड़ होने से, बहुत सारी अनुपयोगी चीज़ें होने से घर में नेगेटिविटी भयंकर हो जाती है और उसका जो परिणाम है हमें दिखाई देने लग जाता है। तो हमेशा अपने घर में उपयोगी चीज़ें रखें। दूसरा है, अपने घर में आप घर के कोई सदस्य मंत्र जप जरूर करें क्योंकि मंत्र जप में इतनी शक्ति होती है कि जिस शायद आप जीवन में कभी सोच नहीं सकते हैं। तो मंत्र जप ओम नमः शिवाय करें, कुछ ज़्यादा नहीं करें। और तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अपनी माता पिता के प्रति समर्पण सेवा भाव हमेशा रखें क्योंकि वो इस दुनिया में हमारे लिए शंकर पार्वती का रूप है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना।